सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। दिस इज़ द सेकेंड एपिसोड ऑफ अ वेरी अमेजिंग सीरीज कॉल्ड एज बायोलॉजी अराउंड अस। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द व्रिगलर लार्वा ऑफ मॉस्किटो। यानी कहा जाता है यूजुअली कि अगर आपको बीमारियों से अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने आसपास अगर आपको ऐसा वातावरण रखना है जहाँ पर कम से कम बीमारियाँ हो, जहाँ पर आपको चिकनगुनिया ना हो, जहाँ पर आपको डेंगू ना हो, देन यू नीड टू कीप द पॉट्स क्लीन। आपको वहाँ पर जो भी पॉट्स हैं, आपको ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी भर सकता है, उनको क्लीन रखना पड़ता है। क्यों, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा रेगुलर लार्वा कैसा दिखाई देता है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम अमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ दैट लार्वा टू। सो लेट्स गो गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा पॉट है जिसके अंदर एक छोटा सा पौधा है। सिर्फ इतने से पानी के अंदर, यानी मुश्किल से यहाँ पर 10-12 ml पानी होगा, इसके अंदर ही आपको रेगुलर लार्वा देखने को मिल सकते हैं जो छोटे छोटे से आपको मूव करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप एजेस पर देखें तो आपको काफी सारे लार्वा मूव करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर। सो इतने सारे लार्वा हैं, वो इतने से पानी के अंदर, इतने कम पानी के अंदर भी जमा हो जाते हैं, अपनी डेवलपमेंटल साइकिल को पूरा करते हैं और लगभग 2 से 10 दिन के अंदर इसी स्टेट में रह सकते हैं। काफ़ी बार अगर पानी का टेम्परेचर अच्छा खासा इन्हें मिल जाता है तो ये बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं अपने अडल्ट फॉर्म में और अपने आसपास के इलाकों में जाकर डिजीज़ कॉज करना और लोगों को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आसपास हम थोड़ा भी पानी जमा ना होने दें। इसके अंदर आपको नाचते गाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं दोस्त। ये धीरे धीरे सरफेस के ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए और सरफेस के ऊपर जब ये आएंगे तो साइफन से सांस लेंगे और उसके बाद दोबारा से नीचे चले जाएंगे और अल्टीमेटली गेड़िया मारते रहेंगे। यहाँ पर आपको घूमते फिरते नाचते गाते ये दिखाई दे रहे हैं गाइस। इसलिए आपको कहा जाता है कि अपने आसपास सफाई रखिए, क्योंकि अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो ऐसे ही काफ़ी सारे गेड़िया मारते हुए ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देंगे, आपके चारों ओर पनपते रहेंगे एंड अल्टीमेटली हमें ही इन्फेक्ट करेंगे। सो कीप द सराउंडिंग क्लीन एंड अल्टीमेटली अगर आपके घर के आसपास भी कोई ऐसी जगह है या फिर गर्मियों में आप अगर कूलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं देन उसको रेगुलर बेसिस पे पीरियोडिक क्लीनिंग उसकी करती रहें, जिससे कि ये सारे जो इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पर ना पनप पाएँ। सो आई होप इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। आपने शायद ये सारी चीज़ें पहले देख रखी हूँ बट इसका एक नया पर्सपेक्टिव आप लोगों की माइंड में डेवलप करने के लिए सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है एंड आई होप इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।